देश की राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम अभी खत्म नहीं हुआ है। सर्दी से ठिठुरन के बीच लोग घने कोहरे से परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर के अधिकतर इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में मौसम में ठंड और बढ़ सकती है। जहां दिल्ली में जनवरी महीने में रिकॉर्ड बारिश के बाद अब फरवरी महीने की शुरुआत में भी बारिश होने के आसार हैं। इधर बिहार, झारखंड, यूपी समेत देश के अन्य राज्यों में भी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में 3 और 4 फरवरी को बारिश होने का अनुमान जताया है। इसके अलावा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में बुधवार से शुक्रवार के बीच बारिश और बर्फबारी की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 2 और 3 फरवरी को और उत्तराखंड में 3 और 4 फरवरी को ओलावृष्टि की आशंका है। वहीं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में हल्की बारिश के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा और यूपी के उत्तरी हिस्सों में कड़ाके की ठंड के साथ बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तरी राजस्थान में घना कोहरा छाने के आसार हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तरी यूपी में अगले 48 घंटों में ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। पूर्वी भारत में भी अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान धीरे धीरे 2 डिग्री बढ़ सकता है। इससे पहले सोमवार को मौसम विभाग ने मासिक अनुमान में कहा था कि फरवरी माह में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम तापमान रहने के आसार हैं, जहां पंजाब और हरियाणा में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।